प्रधानमंत्री चाहते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए यहां से सड़क बना दी जाए। ये घोड़े वाले और उनका अस्तबल हटाना होगा। ये पूरी जगह बिल्कुल साफ कर दो। जी सेनापति कॉर्वस। खत्म कर, सबको खत्म कर। जितने भी गुलाम हैं सब के सब निकम्मे हैं। इनमें ऐसा एक भी नहीं जिसे मैं सम्राट के सामने भेज सकूं। इन सालों को खिलाते खिलाते मैं तो लुट जाऊंगा। मौका मिलते ही सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। कुछ नए योद्धाओं को तैयार करो बेलाकर, जो कोई अच्छा जवाब हो। वैसे लोग उसे केल्ट कहते हैं। पेशे से ये लोग घोड़ों की रखवाली करते थे और उनमें से ये आखिरी आदमी। माफ कीजिए, आपको यहाँ कोई खास मनोरंजन नहीं मिल पाया।
सभी को आगे आने दो। हटो एक तरफ, सुना नहीं तुम्हें, हटो। वो घोड़ा, वो घोड़ा दर्द से तड़प रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं। रुक जाओ, उसे जाके देखने दो। जी राजकुमारी। उसे ज्यादा दर्द महसूस ना हो। मैं जानता था राजकुमारी, ये भी एक जानवर है। अब उठो यहां से। दूसरे घोड़े का इंतजाम करो। कितना कठोर है तू। उसे दर्द से मुक्ति दी है इसने। चलिए। शुक्रिया। गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालो। रूम में आपको किसी भी आदमी को इस तरह देखते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने इतनी ताकत। इतना हसीन नौजवान था। अरे मेरा वो मतलब नहीं हुआ। गई, अब चुप हो जाओ। देखो देखो उधर। बहुत गया। मेला है ना राजकुमारी, सारे रास्ते बंद हैं, लोग शराब के नशे में धुत हैं। अब क्या, आओ मेरे साथ। राजकुमारी कहाँ जा रही है? हम महल पहुँच जाएंगे। राजकुमारी वहाँ देखो, पिछले साल मेले में कितना मजा आया था ना। मुझे यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ याद है। यहाँ आकर रोम की याद नहीं आ रही। मैं रोम को भूलना चाहती हूँ। बच्ची तुम आ गई? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे लगा तुम मेले के बाद ही हो। मैं रोम में अब और नहीं रुकना चाहती थी। वो शहर नकली और घमंडी लोगों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मेरी बच्ची अब बच्ची नहीं रही।
पिताजी, आपकी आंखों में आंसू। किसी से कहना मत, वरना लोग कहेंगे कि मैं एक कमजोर राजा हूँ। तुम्हारी बहुत याद आई। ये क्या मेरी बच्ची, ये सारा सामान तुम्हारा है? क्या तुमने रोम की सारी दुकानें खाली कर दी? ये बता, वहाँ कोई लड़का नहीं मिला? ऐसा कोई नहीं जिसे पॉम्पे की कद्र हो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हारे पिता ने सभी काबिल लड़कों को तुम्हारे लौटने की इत्तला कर दी है। नहीं, इसकी क्या जरूरत है। खैर ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि रोम में तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा? तुम लोगों का नया घर तुम्हें मुबारक हो गुलामों। रुक जाओ, इन्हें खोल दो, इन जंगलियों को कुछ खाने को दे दो। वीरस, ओह मैंने तुझे बहुत याद किया, तू अच्छा तो है ना? हाँ, ये आपसे मिलकर बहुत खुश हो गया। तुमने इसका अच्छा ख्याल रखा है, शुक्रिया फेलिक्स। कल सुबह आप इसकी सवारी कर पाएंगे, मैं अभी इसकी वर्जिश करवाता हूँ। शुक्रिया, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। एटिकस, मुझे लगता है यही गिल्ड है। काहे का गिल्ड? अरे वही जिसके बारे में लोग कहते हैं तुमसे भी ज्यादा तेज है। सब यही दावा करते हैं। आज यहां से नहीं कुछ होगा। वो तुम्हारा नाम जानना चाहता है क्या? उसे पता लगाना है कि उसके भाई को मारने वाला क्या कौन था। जो जानना चाहता है वही पूछे। दो शराब की बोतलें प्रेशन पहलवान पर लगाता हूं। दो बोतल शराब लगी। ये सब क्या हो रहा है? ये इसने शुरू नहीं की थी, ये चुपचाप खाना। बेलाटार, इन सब की देखभाल का जिम्मा तुम्हारा है ना? ये जाहिल लोग आपस में लड़कर यहां एक दूसरे की जान ले ले, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। उसका काम तमाम, इसे तो ठीक किया जा सकता है। दोबारा ऐसा हुआ बिलातर तो सारा खर्चा तुमसे वसूलूंगा। मैं तुझे याद रखूंगा कमीने। दरवाजा खोलो। बंद करो। तूने मेरी दो शराब की बोतलों का नुकसान किया। या
प्यास लगी है? ठीक है। क्या हुआ? फिक्र मत करो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता कैल्ट तो बहुत पहले मार चुका होता। तुम्हारा नाम क्या है? अरे कभी ना कभी तो हमें बात करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है, बस कभी ना कभी एक दूसरे को मारना पड़ेगा। तो मेरा नाम मेरा है और तुम्हारा नाम जानने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। उम्र हो गई है टिकट, यहां बहुत नौजवान हैं जो तुम्हें मौत की नींद सुलाना चाहते हैं। कल जब मैं लड़ाई में जीत जाऊंगा तब आजाद हो जाऊंगा। रोम का कानून है और इसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एटिकस, मौजूदा चैंपियन, कल खेल की आखिरी लड़ाई तुम्हारी होगी। उससे पहले तुमसे लड़ने लायक कोई योद्धा तो मिले। बताओ कौन है वो बदकिस्मत जो मेरी आजादी के लिए अपनी जान गंवा देगा? मुझे तुम पर तरस आता है। बड़े बदकिस्मत हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगा। तुम्हें भी जीतने का बराबर का मौका दूंगा। तुमने जरूर नाम कमाया होगा, लेकिन आज तक मुझ जैसे योद्धा से तुम्हारा सामना नहीं हुआ होगा। क्यों, देखा मेरा जलवा? मेरा जवाब है।
सब लोग हट जाओ, रास्ता छोड़ो। है उठो, तुम सब काम पे लग जाओ। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? किसी भी योद्धा की पीठ पर वार नहीं होना चाहिए, उसे मरना ही है तो छाती पर वार झेल कर। मैं वादा करता हूं कि कल तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, और वो वार मैं करूंगा। मैं उससे भी बेहतर वादा करता हूं, जब वक्त आएगा तुम्हें मौत जल्दी नसीब होगी, और वो भी मेरे हाथों से। योजना प्रजा के हित में है। कोई पागल आदमी ही सम्राट को यहाँ लागत लगाने से रोक सकता है। पर महामंत्री कॉर्वस पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। महामंत्री जी, माफ कीजिएगा, हम आपका स्वागत करने बंदरगाह नहीं पहुँच पाए। महाराज, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप व्यस्त हैं। वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी से कौन कमबख्त पल भर के लिए भी दूर जाना चाहेगा। मैं हूँ रोमन साम्राज्य का महामंत्री कॉर्वस, आपका मेहमान बनने में मुझे बहुत खुशी होगी। आपका स्वागत है महामंत्री जी। तो महामंत्री जी, रोम की क्या खबर है और नए सम्राट टाइटस के क्या हालचाल है? नए सम्राट, नए सम्राट टाइटस बहुत अच्छे हैं। उनके पिता सम्राट वेस्पेशियन को प्रजा बहुत चाहती थी, वही मोहब्बत उनके बेटे पर भी बरस रही है। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। महाराज, आपसे एक बात पूछूं, बंदरगाह से आते वक्त मैंने देखा कि लोगों की आंखों में मेरे प्रति नफरत थी। यहाँ रोमन साम्राज्य के खिलाफ कोई आवाज या बगावत वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि चंद लोग हैं जो रोम के खिलाफ हैं, और हमारे इस नए निर्माण से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि बेहतर शौचालय, बड़े स्नान घर, एक बड़ा सा मैदान, एक नया पॉम्पेई। नए सम्राट के बारे में क्या कह रहा था वो? वो सियासत में, आपको सोच समझ के उससे बात करनी होगी। तुम्हें लगता है कि सम्राट को हमारी योजना में दिलचस्पी होगी? अगर सम्राट को दिलचस्पी नहीं होती तो ये यहाँ नहीं आते। पिताजी ने रोम के महामंत्री को हमारे घर पर क्यों बुलाया है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? अगर रोम के अमीरों को यहाँ पूंजी लगानी है तो उनकी शर्तें माननी होंगी ना? क्या है उनकी शर्तें? आखिर रोम में क्या हो रहा है पिताजी को पता भी है? टाइटस के हुकूमत में आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। हर बदमाश आदमी सम्राट का दाहिना हाथ बन गया और मासूमों पर जुल्म करता जा रहा है। कैसिया, तुम वक्त से पहले घर क्यों लौटी? क्या हुआ था रोम में? रोम से मेरा जी भर गया। माँ, वो वीरस है ना? वीरस, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिलिक्स कहाँ है?
मैंने सुना है कल तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। सही सुना है, कल तुम्हें मारने के बाद वो लोग मुझे आजाद करेंगे। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हारे बाजुओं में ताकत है तब तक। ये सम्राट का वादा है। और तुम्हें लगता है वो अपना वादा निभाएंगे? मुझे उनके कानून पर भरोसा है। हम जैसे योद्धाओं की सिर्फ एक ही आजादी है, बिना शिकस्त का सामना किए मौत को अपनाना, और वो रोम के मुंह पर थूकने जैसा होगा। तो फिर यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम गुलाम बनकर ही रहोगे। लेकिन मैं नहीं, कल रोम की हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी। लेकिन अफसोस, वो देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। इतना यकीन है? आज तुमने अपनी कमजोरी मुझे दिखा दी। तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारे दाहिने हाथ से कमजोर है, और अपनी पसलियां बचाने के लिए तुम अपनी गर्दन खुली छोड़ देते हो। और तुम्हें अपना दाहिना पैर आगे करते वक्त अपनी तलवार को झुकाना नहीं चाहिए, सामने वाला उस मौके का फायदा उठा सकता है। ये, वो और ये दोनों खड़े हो जाओ कुत्ते। यहां रुको, और तुम जंगली यहां। दोनों बेहतरीन योद्धा, एक मौजूदा चैंपियन और दूसरा उभरता हुआ जाबाज, खुद ही पसंद कीजिए। पीछे मुड़ो, मुझे ठीक से देखना है। क्यों, क्या इरादा है? एक रात के मनोरंजन के लिए कोई बुरा नहीं है। गठीला है आदमी, काम का है। इन सब जांच पड़ताल के लिए खर्चा लगेगा मुकदमा। और ये है हमारे नए खेल के मैदान का नकल, जिसे खास से रथ के लिए बनाया गया है। ठीक है, मैंने इसे देखा महाराज, लेकिन मुझे नहीं लगता सम्राट इतनी बड़ी लागत में दिलचस्पी रखेंगे। इतने बड़े रोमन साम्राज्य में आपका राज्य कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन महामंत्री जी, मैं तो ये समझ रहा था कि नहीं नहीं, फिलहाल सम्राट की दिलचस्पी रोम के विकास में है, लेकिन जाती तौर पर मैं कुछ लागत में दिलचस्पी रखता हूं। बहुत खूब, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जिसकी रूपरेखा मैं आपको कल बता दूंगा, खेल की समाप्ति के बाद। क्यों ना इसी बात पर एग्जाम हो जाए? तो फिर दूसरे मेहमानों के साथ शामिल हो जाते हैं। वो भी आपकी बेटी के हाथ। मेरी बेटी? वहां देखिए, घोड़ों से बात करने वाला गुलाम। जो भी हो, कम माल का आदमी है, और ये तो आप भी इनकार नहीं करेंगी।
उधर घूमो। कैसी है? माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम लेके आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ क्यों नहीं पिताजी। ये जाम ले लो, और ये तुम्हारे लिए नहीं। बेटी इनसे मिलो, ये महामंत्री कौस राजकुमारी कास्तिया, मैं आप ही को याद कर रहा हूं। आप वाकई बेमिसाल हैं। आप खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। तो आप दोनों मिल चुके हैं? आप अब भी यही हैं महाराज? मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बेटी से मिल चुके हैं। आपको मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा, कल खेल के मैदान में कागजात पर दस्तखत करने के बाद। शुक्रिया महाराज। महामंत्री की आशिया से मिल चुका है रोम में। तो किसी को उसके साथ होना चाहिए। उसने हमारे बिना रोम में पूरा एक साल बिताया है। अब 10 मिनट उसके साथ बिताना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोम में मैंने तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखा था। जी मेरा जवाब तब भी ना था और आज भी ना है महामंत्री जी। तुम जैसी हसीना की ना भी मेरे लिए हाँ है। तुम्हें अपने हुस्न को ऐसी छोटी जगह पर रहकर तबाह नहीं करना चाहिए। रोम जैसे शहर में तुम्हारी खूबसूरती की कद्र हो। वापस रोम जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मेरी बीवी बनकर लौटना पड़े तो? आपकी बीवी बनके? यही मेरा प्रस्ताव था तुम्हारे। महामंत्री कौस, अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे दौलत से खरीद सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे आपकी बीवी बनने का कोई शौक नहीं है। तुम खूबसूरत ही नहीं हिम्मत वाली भी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमारे मेले का लुत्फ उठाइए महामंत्री जी। शुभरात्रि। पर्वत की आवाज है, वो कभी कभी गुर्राता रहता है। इसे भेजो, मुझे इसकी जरूरत है। लेकिन जल्दी राजकुमारी, ये तो धीरे से कुछ करो, कहीं वो अपने आप को जख्मी न कर ले। मुझे अंदर अकेले जाना होगा। नहीं, इसे जाने दो राजकुमारी, ये आदमी वैश्य। इसे जाने दो। अंदर जाने में खतरा है राजकुमारी। हटो, तुम यहां इंतजार करो।
ये कैसे शांत हो गया? मैंने इसे कहा। गुलाम बनने से पहले तुम घुड़सवार थे? चलने से पहले घुड़सवारी सीखी है मैंने। हम पेशे से घोड़ों के रखवाले थे। थे का क्या मतलब? रोमन्स ने मेरे परिवार की हत्या कर दी। अफसोस की बात है। अफसोस? तुम रोम के लोग अफसोस के बारे में क्या जानते हो? मैं रोम की नहीं हूँ, मैं पॉम्पे की भी नहीं। फिर यहाँ हर तरफ परिंदे की मोहर क्यों है? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रोम में एक साल बिताने के बाद मैंने सोचा वो परिंदा कभी नहीं देखूंगी, लेकिन उसे हम पर जबरदस्ती छुपा जा रहा है। पिताजी को लगता है हमारी तरक्की के लिए ये जरूरी है। मेरे पिता अगर जिंदा होते तो इनका नामो निशान मिटा देते। राजकुमारी, अगर उसने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमारी, राजकुमारी सब ठीक तो है ना? मुझे आपको वापस ले जाना होगा। नहीं, मुझे यहीं छोड़ो और तुम निकल जाओ। तुम्हारे पास एक मौका है। कैसा मौका? आजादी का। पर उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। सैनिकों से कहिए मैं आपको जबरदस्ती लिया है तो इल्जाम मुझ पर लगेगा। गिरफ्तार कर लो उसे। कोई गलती नहीं है, घोड़े को कुछ लग गया, वो काबू से बाहर हो गया था। महामंत्री जी रुक जाइए, इसने मेरी जान बचाई है, इसके साथ ऐसा सलूक मत कीजिए। तुम ठीक तो हो ना राजकुमारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गुलाम की जान तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? क्या मतलब? उम्मीद है मेरे सवाल का मतलब तुम समझ गई होगी। मैं आपकी एहसान मंद रहूंगी। वाह, तुम खुशकिस्मत हो गुलाम। राजकुमारी को तुम पर तरस आ गया और उन्होंने तुम्हें बचा लिया। किसका है ये गुलाम? मेरा है महामंत्री। तो तुम ही इसे सजा दो और किस्सा खत्म करो। 15 कोड़े काफी होंगे मेरे ख्याल से। जिंदगी के बदले इतनी सजा बहुत ही मामूली है। पिताजी, आपको ये रोकना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मजबूर हूं। तुमने उसकी जिंदगी बचाई, इसी बात से खुश हो जाओ। मैं
महामंत्री कॉर्वस को तुमसे कुछ काम है। जी बताइए। इस योद्धा का कल का कार्यक्रम क्या है? आखिरी लड़ाई मेरा मौजूदा चैंपियन एथिकस के साथ। बदल दो, इसका मुकाबला भी पहले और साथ साथ मौत भी। पंद्रह गोलियां और उसने उप तक नहीं दी। मैं ये रोक सकती थी, पता नहीं मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। आप उसका दर्द महसूस कर रही थी, उसके साथ में महफूज महसूस करती, और हमारे मनोरंजन के लिए वो अपनी जान गंवा दी। लेकिन आप भी क्या कर सकती थी राजकुमारी, महामंत्री बेवजह उसे सजा दे रहा था। मैंने सोचा रोम छोड़ने के बाद वो मेरा पीछा छोड़ देगा और किसी और मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लेगा। आज रात मैंने उसकी आंखों में वही हवस देखी जो मैंने रोम में देखी थी। लेकिन महामंत्री ने आपको अभी तक छुआ नहीं। उसके ऐसा करने से पहले ही मैंने रोम छोड़ दिया था। मुझे क्या पता था कि वो यहां तक मेरा पीछा करेगा। कल की लड़ाई के लिए अच्छी तैयारी की है तुमने। वो लड़की इसके लायक है तो फिर ठीक है। तुमने फिर मेरी शराब का नुकसान किया। क्या तुम्हें वो महसूस हो रहा है? ये देवताओं की आवाज है, उन्होंने हमारे लिए कोई योजना बनाई होगी। शायद। क्या मतलब? आज मैंने उस आदमी को देखा जिसने मेरे परिवार की हत्या की। शायद देवताओं ने खास मकसद से मुझे जिंदा रखा। रोमन्स ने 20 साल पहले मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। मैं हर रात उनके चेहरे याद करने की कोशिश करता हूं पर हार जाता हूं। पर मुझे यकीन है कि एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मेरा नाम माइलो है। एटिकस। सुनो, मैदान की तरफ जाओ। उस केल्ट को मैदान में उतारो। वो तो एटिकस के साथ लड़ने वाला था ना? जो कहा सिर्फ वही करो। जी हुजूर। एटिकस वो आज की आखिरी लड़ाई लड़ेगा। उसके सामने स्पार्टिन को उतारो, देखने वालों को बहुत पसंद आएगा। तब तो एटिकस उसे हरा देगा और आजाद हो जाएगा। क्या दर्शक यही देखना चाहते हैं? क्या मतलब? आपको नहीं लगता इन योद्धाओं को जिंदगी नहीं मौत मिलनी चाहिए, जिस नजारे का लोग लुत्फ उठाएं? रुको, तुम उस तरफ से जाओ। आ तुम भी जंगली।
महामंत्री कौरवन। राजकुमारी कासिया, आओ हमारे पहलू में बैठो, हम तुम्हारी चुलबुली बातों का मजा लें। वैसे तुम्हें ये खेल पसंद है? हमारे मनोरंजन के लिए लोग एक दूसरे की जान ले समय खेल नहीं समझते। सब जगह दरारें हैं। इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है अग्रकस, तुम क्या कहते हो? क्या हम सारे खेल रद्द कर दें? इसकी जरूरत नहीं, अगर मुलतवी करते तो। ये इमारत 100 साल पुराना है और इसने बड़े बड़े भूकंप झेले हुए हैं। ये महफूज नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और वैसे भी रोम से हम ये उम्मीद कैसे रखें कि वो पूरा शहर बसाए और हम एक छोटा सा मुकाबला भी न करवा पाए। मेरा जहाज तैयार कराओ, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। ये सब क्या है? तुम्हारी जिंदगी की वो घड़ी आ गई है टिकस, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। मैं अकेला मुकाबला करने वाला था आज। इन्हें हथियार दे दो। मेरी शुभकामनाएं टिकस। अपनाने वाले योद्धाओं को आखिरी सलाम। हमें गर्व है मार्कस कैसियस सेवेरस पर, और हम सभी शान है रोम के सम्राट टाइटस। और कौन भूल सकता है वो कारनामे जो महामंत्री क्विंटस एडियस कोर्वस ने दिखाए, खासकर जिस तरह उन्होंने कैंटिक के बगावत को राम दिया। कैंटिक की बगावत? रोमन साम्राज्य के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान, उत्तर की ओर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केल्टिक को हटा के आपने सड़कें बनवाई और इतिहास के पन्नों में अपना नाम जोड़ लिया। इसलिए हमारी तमन्ना है कि आपके हाथों आज इस खेल का उद्घाटन हो जाए। महाराज, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये सब सुनकर रोम के लोग बड़े खुश हैं। पोम्पे के वासियों, जुपिटर और वीनस का करम तुम लोगों पर हमेशा बरकरार रहे। खेल शुरू किया जाए। ये कोई लड़ाई नहीं है। क्या? ये कत्लेआम है। कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं ये पहले देख चुका हूं। कैंटी के बाद ही लड़ होकर भाग गए। मासूमों का बलात्कार बंद करते हुए उनके नबी चेहरों का पर्दाफाश दुनिया के सामने हुआ। इसी काम के लिए तो तुम्हें पाला है कुत्तों। अब जाओ वहां। क्विंटस एडियस कोर्वस ने उन्हें आत्मसमर्पण का आह्वान दिया, लेकिन कैदी के बेरहम लोगों ने उसे लगा दिया। तब कोई और रास्ता ना होने की वजह से सरकार के आदेशानुसार उन्होंने कैदी के लोगों का खात्मा किया। डाल उठाओ, जोर लगाओ। इसी को खेल कहते हैं आप लोग? इसे खेल नहीं कहते, इसे सियासत कहते हैं।
मारेंगे। पीछे हटो। ये खेल वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है उस गुलाम में ऐसी क्या खूबी है? वही खूबी जो आप में नहीं है महामंत्री। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे पिता तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपने वाले हैं। क्या ऐसी कोई बात हमारे बीच में नहीं? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सम्राट से कह दूंगा कि तुम्हारे पिता ने उनकी हुकूमत करने की काबिलियत पर शक किया और सम्राट तुम्हारे पूरे खानदान को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। अगर मैं आपसे शादी करूं, कैसिया? अगर मैं शादी करूं, तो आप मेरे परिवार वालों को छोड़ देंगे? तुम्हारा खानदान मेरा खानदान बन जाएगा, जिसकी हिफाजत का जिम्मा सम्राट पर होगा और तुम सब शाही जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हो। महामंत्री जी, रोम की ताकत के सामने मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा, मैं उस पर थूकता हूं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। पूरी एक पलटन को मैदान में उतारो फौरन। तुम सही थे दोस्त, उनके सारे वादे उन्हीं की तरह झूठे हैं।
तुम्हारी इतनी जुर्रत। महारानी आप बैठ जाइए, अगर अपनी जिंदगी चाहती हैं तो बैठ जाइए इसी वक्त। 100-100 तीर चलाकर आप उसकी जान लेंगे तो लोगों के लिए वो शहीद बन जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं कि आपके सम्राट के लिए यहाँ से बगावत ले जाए? और अगर आप अपने फैसले से मुकर गए तो रोम में लोग क्या कहेंगे? आपकी पीठ पीछे लोग यही कहेंगे कि आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती। इसका आपके नाम पर कितना असर पड़ेगा सोचिए। मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि चलना फिरना तो दूर तुम रेंग भी नहीं पाओगे। आई बात समझ में? प्रोक्यूलस सिपाहियों से कहो कि इसे ले जाकर कैद खाने में बंद कर दें। मेरे ख्याल से शादी रोम में रखनी चाहिए। पॉम्पे के वासियों, अग्निदेव की बात सुनो। अग्निदेव नहीं चाहते कि यह आदमी पॉम्पे का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, क्योंकि वो योद्धा ऐसा होना चाहिए जो रोम की ताकत का सामना कर सके। हे अग्निदेव, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रोक्यूलस, इन बुजदिलों को दिखाओ कि रोम की ताकत को चुनौती देने का अंजाम क्या है। महामंत्री जी, चलो चलो जल्दी चलो। ये क्या हो रहा है? राजकुमारी, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। राजकुमारी, सम्राट टाइटस का नाम रोशन करूंगा। मैं तुझे जानता हूं। वाकई? खैर, मुझसे जो भी इंतकाम लेने के बारे में सोच रहे हो वो कुछ भी अमल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जंगलियों के कोई भी हथियार रोम के लोहे से टक्कर नहीं ले सकते। इसे एक बेहतर हथियार दिया जाए। इसमें धार नहीं है। अच्छा, दर्शकों का मनोरंजन जो कराना है। Thank you.
हिम्मतवर हो, इतना तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक गुलाम रोमन की बराबरी कभी नहीं कर सकता। लेकिन हम 20 से ज्यादा चाहे तो इन हालात को देखने के बाद मैंने तय किया है कि तुम्हारे इस मनहूस शहर में एक ठेला भी ना लगाऊं। बंदरगाह ले चलो। निकलना होगा। सुनो, हमारी मदद करो, कैसिया की जान बचा लो। कहाँ है वो? तहखाने में। Thank you.
ढूंढना होगा। मारियो पागल मत बनो, हमें फौरन बंदरगाह जाके जहाज ढूंढना है, ये पर्वत हम सबको मार डालेगा। उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया एटिकस। अगर वो ना होती तो आज उस मैदान में उन्होंने हमें मार दिया होता। तो ठीक है, मैं भी चलता हूं। तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल रही है दोस्त, राजकुमारी का जिम्मा मेरा है। अच्छा तो बंदरगाह पर मिलेंगे। हाँ, बंदरगाह में मिलेंगे। बंदरगाह तक पहुंचना है। Thank you.
दुनिया का अंत होने वाला है। देवता क्यों करते हैं ऐसा हमारे साथ? जानता था देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम बहुत तेज हो। अब ये मुझे भी पता चल गया। चलो यहाँ से निकलो। नहीं दोस्त, बंदरगाह डूब गया है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हमें दक्षिण में पहाड़ी रास्ते से जाना होगा। वो बहुत दूर है, हम वहाँ तक पैदल नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम वहाँ जाएंगे। अब मैदान में जाओगे? क्यों? घोड़े। पिताजी, मैं घोड़े लेकर आता हूं। रुक जाके अपनी दोस्त की मदद करो। रोमन्स चारों तरफ हैं। चलो यहां से। आराम से बैठ जाओ मेरी जान, रोम अभी काफी दूर है। क्यों कर रहे हो? इसलिए कि जिस चीज पर कॉर्वस का दिल आ जाता है वो किसी घटिया गुलाम की नहीं हो सकती। प्रोक्युलस, इसमें तुम्हारे लिए जगह नहीं। तो मैं आपसे रोम में मिलूंगा महामंत्री जी। कॉर्वस! उस गुलाम का सिर काट के लाने वाले को 1000 सोने की अशरफियां दी जाएंगी। ये मेरा शिकार है, तुम जाओ। एटिकस, तुम्हारे लिए एक एक पल कीमती है दोस्त। दोबारा मुलाकात होगी मेरे दोस्त। Thank you.
किसी अरे गहरे गुलाम की मौत की बराबरी रोमन की मौत से नहीं कर सकते बराबरी। अब पूछता हूँ कि एक रोमन एक साधारण योद्धा की मौत मर सकता है कि नहीं? छोड़ दो। कौन नहीं होता अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगता। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मुझ पर तलवार उठाओ? मैं रोमन साम्राज्य का महामंत्री कॉर्वस हूं। अब क्या औकात है तुम्हारी? महामंत्री कॉर्वस के जान की कीमत क्या है? तुमने मेरे परिवार को मार दिया, मेरी सारी बिरादरी को खत्म कर दिया, लेकिन अब हिसाब चुकता करने का वक्त। रुक जाओ, तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकते।
जो भी आज मौत को अपनाने वाले हैं उनको मेरा आखिरी सलाम। आज मैं आजाद होकर मर रहा हूं। रास्ता नहीं है हमारे पास। जाओ वीरस, जल्दी। हम अपने आखिरी लम्हे भागते हुए क्यों बिताएं? वहां मत देखो, मुझे देखो। सिर्फ मुझे।